टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब भाई? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे आई एम सो मच एक्साइटेड। एक्चुअली हम सब लोग एक्साइटेड हैं, तो आप लोग भी सुनोगे तो एक्साइटेड हो जाओगे। पता है क्या, आज हमारे YouTube फैमिली का 140 मेंबर्स कंप्लीट हो गया है। मतलब 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो ही गए हैं। आप लोग और 40 लोग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इसलिए आज होगा सेलिब्रेशन, और आप लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट करूंगी। और बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये सक्सेस आप लोगों का भी है। तो आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो अभी हम लोग जा रहे केक शॉप। एक्चुअली शेखर जी बोले कि शेखर जी, हम और मयंक तीनों जनी अभी जा रहे हैं हम लोग केक शॉप। तो चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। नहीं, एक्चुअली आप लोगों को भी साथ में ले चलती हूँ केक शॉप में, और शाम को सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोगों के साथ। चलिए फिर, हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। मयंक भी रेडी है। आज बेटू का मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो अच्छा आज मैंने पॉनिटेल किया। ये ज्यादा अच्छा लगता है कि ओपन अच्छा लगता है, पता नहीं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं। एनर्जी मेरे में नहीं बचा था, तो शाम को अभी हम लोग केक कट करेंगे। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी, अभी केक कटिंग करेंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो सेलिब्रेट करेंगे ना। तो चलिए केक कट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उतरते मैं जा रही हूँ अभी किचन के तरफ, तो चलिए मिलते हैं किचन में। चलो जी, मैं पहुंच गई हूँ अभी किचन में, और मैं आज बनाने वाली हूँ अभी डिनर सबके लिए। सेलिब्रेट तो हो गया, आप लोग भी सेलिब्रेट किए, तो आप लोग मेरे साथ रेसिपी शेयर करेंगे ना, करेंगे ना? तो आई नो आप लोग करेंगे। आप लोग मेरा रेसिपी देखना बहुत पसंद करते हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानती। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ घर में सबका फेवरेट अंडा करी।
अंडा करी मेरे घर में सबका फेवरेट है, मयंक का तो बहुत फेवरेट है। तो मयंक ने बोला कि मम्मी आज तो आप अंडा करी बना दो। और शेखर जी का भी फेवरेट है, तो वो बोले कि आज इतना बड़ा खुशी का दिन है तो एक कड़ी बना दो। तो मैं एक कड़ी बना रही हूँ ढाबा स्टाइल, तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं चाय पी चुकी हूँ, मैं दो टाइम चाय पी चुकी हूँ। तो मैं अभी ना कॉफी ना चाय, अभी ऑलरेडी 7:30 हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। मैं डिनर बनाऊंगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून। मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक बॉयल करने के लिए, और ये है मेरा एक बॉयलर, इसमें ही मैं एक बॉयल करती हूँ हमेशा। ये मैं पिछला 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है। तो मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसी में ही हमेशा एक बॉयल करती हूँ और इसमें एकदम परफेक्टली बॉयल होता है। बॉयल हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये अंडा मेरा क्रैक निकल गया, यहाँ पे क्रैक है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्रैक अंडा देने से क्या होता है ना, वो फट जाता है बॉयलिंग के टाइम पे। तो चलिए अब इसको बॉयल कर लेती हूँ मैं, फिर आगे का काम करती हूँ। तो जब तक एक बॉयल हो रहा है तब तक मैं ऑनियन को थोड़ा रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि इसको मुझे क्रश करना है। मैं क्रशर में कर लूँगी इसमें, एक्चुअली मैनुअल चॉपर मेरा ये है, मुझे छोटा छोटा करके फाइन चॉप करना है, तो इसी में मैं हमेशा चॉप कर लेती हूँ। तो इसमें ही मैं चॉप कर लूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह का चॉप ऑनियन चाहिए मुझे, ऐसा ऑनियन चाहिए, ये ही परफेक्टली ऐसे ही छोटा छोटा चॉप किया हुआ, फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन मुझे चाहिए। तो मैंने क्रश कर लिया। सेम वे में मैं टमाटर भी क्रश कर लूँगी इसी तरह से। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, सूखी हुई लाल मिर्च, साबुत जीरा, इसके साथ राई और एक तेज पत्ता। आप चाहे तो लौंग यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी का जो स्टिक होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा अंडे परफेक्टली बॉयल हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से बॉयल हुआ है। एक बॉयलर बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बाय द वे ये एक बॉयलर का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, फटाफट हो जाता है। तो अभी मैं इसको एक फोर्क का मदद से थोड़ा सा छेद कर लूँगी इसमें, क्योंकि अंडे में छेद करने से ना जब आप ऑयल में डालो तो वो ऑयल जो है ना वो ऑयल आपका उड़ता नहीं है, तो इसलिए मैं अंडों को छेद कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले चुकी हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और साथ ही में हल्दी थोड़ा सा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर में डाल दूँगी। अच्छा, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा गर्म। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके, इसमें आप लो फ्लेम में भी कर सकते हो लेकिन मेरे लिए कन्वीनियंट लगता है हाई फ्लेम, तो मैं हाई फ्लेम में ही थोड़ा सा अंडों को फ्राई कर लूँगी, एक एक करके अंडा डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा एक बात और, अंडा डालने का तुरंत बाद ही ना अंडे को आप मसालों से इस तरह से ना कोट कर लीजिए, तो जब अंडा फ्राई होगा ना तो देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो जाएगा मसालों में पूरा कोट होके। तो अंडे तो मेरा फ्राई हो चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ आलू मैंने बॉयल करके रखी थी, तो वही सेम कढ़ाई में सेम ऑयल में मैं ये पोटैटोस को भी फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो चलिए जब तक मेरा पोटैटो फ्राई हो रहा है, बाय द वे हाई फ्लेम में, तो तब तक मैं क्या कर रही हूँ,
कि दूसरा एक कढ़ाई में ले चुकी हूँ और उसमें ऑयल डाल चुकी हूँ। ऑयल मेरा यहाँ पे अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो ये खड़े मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो मसाले थोड़े से थिरकने लगे तो आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा चला दीजिएगा मसालों को, तो थोड़ा सा ना मसाला पक जाएगा, खड़े मसाले ना एक अच्छा एरोमा, अच्छा खुशबू आने लगेगा। उसी मोमेंट में आप ऑनियन को उसमें डाल दीजिए मसालों में। तो डालने के बाद हाँ, यहाँ पे आपको एक काम करना है, कंटिन्यूसली चलाते हुए ये ऑनियन को भूनना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो देखिए कंटिन्यूसली लो फ्लेम में भूनते हुए मेरा ऑनियन इस तरह से भून गया है, ऐसे ही भूनना है आपको भी। अब मैं टमाटर इसमें डाल दूंगी। अब ऑनियन के साथ टमाटर को आपको भूनना है, अच्छे से भूनना है। हाँ बाय द वे, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लूँगी, मतलब मिक्स्ड कर लूँगी, और कुछ नहीं करना है। मुझे टमाटर का चटनी बनाना है, अच्छे से गल जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लीड लगा के इसका ऑयल रिलीज होने तक इसको पकाऊँगी। देखिए इसका ऑयल रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं चारों ओर से कैसे ऑयल रिलीज हो गया है इसका। तो इसका मतलब हो रहा है मेरा टमाटर ऑलरेडी पक चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस स्टेज में ये जो तेज पत्ता है ना, इसको मैं हटा दूंगी, इसका काम हो गया है, अब जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और इसको तब तक आपको पकाना है जब तक इसका स्मेल हट ना जाए। तो एक स्मेल होता है ना, वो जब तक पक ना जाए, वो हट ना जाए, तब तक आप इसको चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए। आप यहाँ पे फ्लेम हाई रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो नॉर्मल मेरा रेगुलर मसाला होता है मैं वही ऐड कर दूँगी। ऐड करके थोड़ा सा मिक्स्ड अप कर लूँगी, बस इसको पकाना नहीं है अभी, इसको जस्ट मिक्स्ड अप कर लूँगी। अब इसको पकाने का मेन जो तरीका है वो है लो फ्लेम में पानी ढाल डाल के इसको अच्छे से पकाना है। ये भूनने का ही सब कमाल है। आप जो ढाबा स्टाइल जो हम बना रहे हैं ना, ढाबा में जो होता है ये लोग, ये क्या होता है ना कि लो फ्लेम में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर करके मसालों को जो भूना जाता है ना, उसी का ही सब टेस्ट में डिपेंड करता है। तो चलिए मेरा मसाला भून चुका है, अब मैं ये पोटैटो डाल देती हूँ इसमें, जो बॉयल किया हुआ, जो फ्राई किया हुआ पोटैटो था मम्मीज, तो वो डालने के बाद, वो मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स दे दूंगी क्विक स्टार। तो उसके बाद मैं इसको लीड लगा के लो फ्लेम में पकाऊंगी तब तक जब तक इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए। देखिए वाओ, लुक एट दिस कलर, पूरा इसका कोरमा रिलीज हो चुका है, ऑयल रिलीज हो चुका है। अब डालूंगी मैं मेन इंग्रेडिएंट्स, अंडे। अंडों को डालने के बाद इसको दीजिए एक क्विक मिक्स्ड, और कुछ नहीं करना है। मिक्स देने के बाद इसको लीड लगा के एटलीस्ट 20 मिनट तक इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। देखिए मेरा 20 मिनट हो चुका है, इसमें बॉयल भी आ चुका है, इसका कलर देखिए, लुक एट दिस कलर, लग रही है ना पूरा ढाबा स्टाइल, एकदम रेस्टोरेंट में हम लोग जैसे देखते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़े आधे कटे हुए अंडे, देखने में अच्छा लगेगा, जैसे ढाबा में जब सर्व करता है या रेस्टोरेंट में जब सर्व करता है इस तरह के आधे आधे अंडे भी देते हैं ना। और अब मैं लास्ट में ऐड करूंगी थोड़ा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका खुशबू और एरोमा बहुत अच्छा आ जाता है, फ़र्क आप डाल के देखिए, फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, गैस को करूंगी ऑफ, मेरा हो गया रेडी। अब मैं इसको चॉप्ड कोरिएंडर लीव से करूंगी गार्निशिंग। वाओ, लुक एट दिस, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है। तो चलिए मेरा हो गया है, अब मैं फटाफट से डिनर सर्व कर लेती हूँ।
मैं एक करी को पेयर कर रही हूँ रोटी और चावल के साथ, और उसके साथ मैं रख रही हूँ थोड़ा सा सलाद। और ये हो गई मेरी कंप्लीट आज की डिनर थाली। और आप लोगों को अगर मेरा डिनर ये थाली पसंद आए और मेरा रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ डिनर एंजॉय करने, और आप लोग भी ये एक करी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये एक करी रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ।